हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15 और मैं जो है पानी गर्म कर मतलब कर रही हूँ इनको देने के लिए। तो ये मैं सुबह सुबह इनको जो है नींबू का रस और अदरक का रस जो है ये निचोड़ कर इसको देती हूँ गर्म पानी के साथ। तो ये एसिडिटी के लिए बहुत सही होता है, तो मैं पर डे इनको दे देती हूँ तो बहुत फ़ायदा भी करता है। और उसके बाद मैं पीऊँगी और उसके बाद मेरा सुबह का शुरुआत होता है गर्म पानी से। तो अब मैं आ गई हूँ, पानी वानी पी ली हूँ, उसके बाद मैं बना रही हूँ अरबी की सब्ज़ी। तो मेरी अरवी की सब्ज़ी जो है डन हो गई है, बन गई है। बस थोड़ी सी जो है पतली हो गई है ग्रेवी इसकी, लेकिन अभी जैसे जैसे ठंडा होगा ये सूख जाएगा। और मैं इसमें ढेर सारा डाल दूँगी धनिया का पत्ती बस, और इससे और स्वाद बढ़ जाता है धनिया के पत्ती से। तो बस मेरा अरवी की सब्ज़ी बन गया है। और मैं थोड़ी बहुत जो है क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो कमरे जो है दोनों मैंने साफ़ कर लिया है, झाड़ू भी कर लिए हैं और पोछा भी हो गया है। बच्चे खेल रहे थे तो सोफ़ा जो है मैं नहीं कर पाई थी, तो बस ये सोफ़ा साफ़ करके और उसके बाद मैं जाकर नहा लूँगी। तो मेरा पूजा उजा हो गया, नहाना धोना हो गया है और दिन के बज रहे हैं 12:30। तो मैं अब जल्दी जल्दी बना लेती हूँ पराठा। तो जो है सूखी सब्ज़ी बना है तो उसके साथ रोटी मतलब अच्छा नहीं लगेगा खाने में, तो मैं पराठा बना ले रही हूँ। और सर्दियों में वैसे भी पराठा ही अच्छा लगता है, जैसे गोभी का पराठा, प्याज का पराठा, मेथी का पराठा, तो पराठे ही पराठे सर्दियों में अच्छे लगते हैं। गर्मियों में नहीं उतना अच्छा लगता है, क्योंकि जो है ज़्यादा जो है और ये चीज़ें गर्मियों में, वैसे भी गर्मी इतनी पड़ती है कौन खाता है, तो सर्दियों में तो पच जाता है। तो बस मैं यहाँ पर पराठा बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी के साथ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और बच्चे कर रहे मस्ती और मैं सो गई खाना वाना खा के, मुझे नींद आ गया। और मैं 1 घंटा जरूर आराम करती हूँ काम वाम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद मैं 1 घंटा जरूर आराम करती हूँ। मैं उठ गई हूँ, अब मैं चाय पीऊँगी थोड़ा सा चाय, और उसके बाद भी बर्तन धुलना है, कपड़े धुलने हैं, कपड़े उपड़े जो मैं वैसे पड़ा हुआ था धुले नहीं थे। तो चलो अब अपने काम में लग जाऊँ और चाय बना कर पीऊँगी।
और अब शाम हो गई है और यहाँ पे बच्चे पूरा दिन जो है मस्ती करते रहते हैं, लोग बिल्कुल सोने का नाम ही नहीं लेते हैं। और जो है मैं सो गई और उसी में टीवी भी चलता रहा और ये लोग चिल्लाते रहे, खेलते रहे, लेकिन मुझे पता नहीं चला, नींद लगी थी इतनी तेज। और अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, तो जो है अपना ये लोग मस्ती कर रहे हैं। और उसके बाद अभी मैं जो है जाके चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगी, तब उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। दिन की जो है सब्जियां थोड़ी सी बच गई थी अरबी की, तो इसको हम जो है गरम कर देंगे। और मैं बनाऊंगी आज खाने में जो है पालक वाली दाल, उड़द की दाल के साथ बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, सर्दियों में ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं काट रही हूँ पालक। सर्दियों के जो मतलब हरी सब्जियाँ अगर खाओ तो 4 महीने की सर्दी में 8 महीने तक ये सब्जियाँ शरीर में लगती हैं। तो जो है तो आज मैं यही बनाऊँगी पालक वाली दाल, बहुत अच्छी लगती है उड़द की दाल के साथ। मैंने एक दिन बनाया था लेकिन वो रहर की दाल के साथ बनाया था, तो आज मैं उड़द और चने के साथ बनाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है मूली के साथ खाने में। तो बस यहाँ पे मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की, और थोड़ी सी सब्जी बची थी उसको भी मैं गरम कर लूँगी और गरम करके यूज कर लूँगी, क्योंकि अभी दो जो है सुबह का ही है। और यहाँ पे देखिए मेरे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, दिन का बर्तन है, मैं आलस कर गई, धुली नहीं, तो अभी मैं उसको धुल लूँगी। और ये है मूली का साग जो है मैंने सुबह ही बॉयल कर लिया था लेकिन बनाई नहीं, क्योंकि सब खा कर चले ही गए थे, चाचा खा कर चले गए थे। एक मतलब सुबह नाश्ता करते हैं, खाना खाते नहीं हैं, लंच भी नहीं लेके गए थे, तो मैं ऐसे रख दी थी कि मैं बाद में बना लूँगी। और मैं जो है दाल, क्योंकि उड़द की दाल कम है और चना ज़्यादा है, तो मैं जो नीचे मतलब ढेर सारा था उड़द की दाल, तो मैं वही निकाल रही थी, सारे दाल निकाल कर। तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा उड़द की दाल और चने के साथ पालक वाली दाल। तो यहाँ पर मैंने जो है दाल को धुल लिया है, पानी डाल दिया है, पानी थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि जो है पालक भी पानी छोड़ता है। और यहाँ पर मैंने अदरक थोड़ा कद्दूकस कर लिया है, थोड़ा सा तड़के में डाल दूँगी, थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल दूँगी, और इसके बाद मैं पालक डाल दूँगी। और इसमें डाल दिए हैं मतलब हल्दी और नमक, हींग मैंने मतलब डाल दिया है बस। और इसको हम 4-5 सीटी तक पका लेंगे। और इसमें हम तड़का लगाएंगे तो सिर्फ लहसुन और मिर्चा, जीरे और हींग का, बहुत अच्छा लगता है। तो जब तक मेरी दाल हो रही है और मैं बना लेती हूँ, मैं वो थोड़ा सा जो मूली का साग उबला हुआ रखा हुआ था मैं इसको जो है फ्राई कर लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने लहसुन छील लिया है और हरी मिर्च काट लिए हैं, तो बस मैं यही डालती हूँ सिंपल सा, अच्छा लगता है सिंपल ही बनाओ, इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा मिर्च का तड़का लगा दिए हैं, और उसके बाद जो है ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें हम साग डाल दूंगी। और सिम अच्छा लगता है, बस इसमें नमक डाल दो और हल्दी डाल दो बस, थोड़ा सा कलर लाने के लिए। और अगर आमचूर है तो आमचूर डाल दो, नहीं तो आमचूर भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छा लगता है और फ़ायदा भी करता है। तो
तो बस साग मेरा हो गया है और इसी में जो है हम इसको निकाल लेंगे और इसी में हम कर लेंगे जो है अरवी की सब्जी जो है गरम कर लेंगे और इसको हॉट पॉट में रख देंगे ताकि ये गरम बना रहे, बार बार गरम करने की ज़रूरत ना पड़े। और एक तरफ मेरी दाल हो गई है तो मैं जो है सब्जी खाली कर लूँगी और कढ़ाई धुलकर इसी में दाल भी फ्राई कर लूँगी और एक तरफ जो है चावल डाल दूँगी। तो मैं साथ के साथ अपना काम भी करती रहती हूँ, सफाई किचन में, और खाना भी बना लेती हूँ, सही रहता है। नहीं तो मैं कई बार ऐसा होता है कि खाना जो है गैस पे रख कर और भूल जाती हूँ तो जल जाता है, तो मैं इस आदत को ही छोड़ दी। इसीलिए मैं अपना जब तक खाना बनता रहता है तब तक मैं कोई दूसरा काम किचन में खड़े होकर कर लेती हूँ। तो बस मेरे दाल फ्राई हो गए हैं, चावल भी डाल दे रही हूँ और खाना खाने का टाइम भी हो गया है। और ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग, और तो मैं अब मिलती हूँ अगली वीडियो में। और मेरा खाना तैयार हो गया है, दाल चावल अरवी की सब्जी मूली का साग और मूली। तो प्लीज़ जो है मेरी जो है वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मिलती हूँ अगली इतने वीडियो साफ में। हो गए, छोटा क्लीन सा हो गए, मेरा खाना ब्लॉग। खुला हो गया। अब मैं थोड़ा सा टहलूंगी क्योंकि खाना खाने के बाद जो टहलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों को बोलती हूँ गुड नाइट। और अब मैं मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाबा अब प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और गुड नाइट। मेरी फोल्डिंग, आज मैं बैठी थी धूप में बैठी हुई थी, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा धूप था, धूप तो बिल्कुल था ही नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा था, आरामदायक लग रहा था। थोड़ा थोड़ा गर्मी लग रही थी पूरी की। तो बस अब मैं बोलती हूँ आप लोगों को गुड नाइट, नहीं बहुत ज़्यादा बातें हो जाएगी। और गुड नाइट, बाय बाय।